हेलो, दिस इज़ मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला फ्रॉम मिर्चावाला सब ऑफ अकाउंटेंसी। आई एम द डायरेक्टर एंड फैकल्टी मेंबर ऑफ मिर्चावाला सब ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम डिस्कशन करेंगे FA1 से रिलेटेड, क्योंकि आप इसी पेपर के लिए आए हैं। FA1 बेसिकली एक बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, जिसके अंदर सारा जीरो से हम पढ़ाते हैं, लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, इन सब की डेफिनेशन से लेके डेबिट क्रेडिट से लेके डबल एंट्री से लेके लेजर्स से लेके ट्रायल बैलेंस एवरीथिंग। इट इंक्लूड्स बैंक रिकंसिलेशन, वैल्यू एडेड टैक्स, कंट्रोल अकाउंट, सप्लायर रिकंसिलेशन। इट्स अ कंप्लीट बेसिक पेपर, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें डिफरेंट टाइप के बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं। इसको मैट्रिक करने वाला बच्चा भी ज्वाइन कर रहा होता है, डेफिनेटली उसको तो देना है। इंटर कॉमर्स वाला भी ज्वाइन कर रहा होता है, इंटर साइंस वाला भी। तो मेजॉरिटी बच्चों के लिए तो ये पेपर देना मैंडेटरी है, लेकिन एक कुछ बच्चे पाकिस्तान में ऐसे होते हैं जो इंटर कॉमर्स वाले हैं। तो इंटर कॉमर्स वालों को FA1 FA2 की बज़ाहिर एग्जेम्पशन मिली हुई है, लेकिन हकीकत ये कि उनको ये टॉपिक्स आते नहीं हैं। आप ज़रा गौर से सुने, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आपकी चेन है उसमें पहले FA1 है, फिर FA2 है, फिर FA3 है। तो FA1 FA2 की एग्जेम्पशन तो है, लेकिन FA3 एडवांस लेवल है। तो हम लोग बच्चे को पहले FA1 की बेसिक पढ़ाते हैं, फिर FA2 पढ़ाते हैं और फिर डायरेक्ट FA3 में ज्वाइन करते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने FA1 FA2 नहीं पढ़ा हुआ, तो वो FA3 की क्लास में बस उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो जो इंटर कॉमर्स वाला बच्चा है, बेशक उनके लिए पेपर एग्जेम्प्ट है, लेकिन उन्होंने पढ़ना भी है साथ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने इंटर कॉमर्स में नहीं पढ़ी हुई। अब इसकी टीचिंग स्ट्रेटजी में क्या होगा? सबसे पहली बात यह है कि हम लोग दुनिया के 40-50 कंट्रीज में पढ़ा रहे हैं, तो देर इज़ अ टाइम डिफरेंस इन द वर्ल्ड, सो दैट्स वाई वी कांट गैदर ऑल स्टूडेंट्स एट वन टाइम। तो दैट्स वाई वी गिव रिकॉर्डेड एक्सेस ऑफ आर क्लासेस टू स्टूडेंट। तो हम आपको इसमें डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे, इसमें हम आपको प्रॉपर क्यूरी सपोर्ट देंगे। अगर कभी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं हमारे क्यूरी सपोर्ट डिपार्टमेंट से। इसमें हम आपको टेस्टिंग सर्विस देंगे, हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट होगा। इसके अलावा इसमें हम आपको मॉक एग्जाम की फैसिलिटी देंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका राइट है, हमारी डेमो क्लासेस इसी वेबसाइट पर अटैच है इस पेपर की, आप डेमो ज़रूर देखें, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस ऑनलाइन टीचिंग इज टीचिंग स्टाइल। तो आप टीचिंग स्टाइल ज़रूर देखें। मेरा टीचिंग स्टाइल ऐसा है कि मैं बात स्क्रैच से शुरू करता हूँ, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता हूँ, तो बात बहुत आराम से समझ में आ जाती है, राइट। अब नेक्स्ट थिंग ये है कि इस पेपर में और हमारी ACCA में बेतहाशा पोजीशन है मेरी अपनी स्टूडेंट्स की, पर्सनली 100+ नेशन वाइड प्लस ग्लोबल वाइड ग्लोबल पोजीशन आज तक आ चुकी हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल होंगी यहाँ। देन आप इस हमारे इस कोर्स में ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी इनरोल कर सकते हैं यहाँ इसी सेम वेबसाइट में, और आप हमारे गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पे भी कांटेक्ट करके हमारे एडमिन के थ्रू भी कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, हर तरह हमारे सारे हैंडल्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं खुद सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हूँ। आई हैव लाइक 52,000 और 53,000 प्लस फॉलोवर्स ऑन लिंक्डइन, तो आप लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। होप टू सी यू इन द क्लासेस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।